तो दोस्तों हम आ गए हैं आज फिर से नई वीडियो लेकर के आपके लिए। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं पोको एक्स थ्री के बारे में। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा डिले हो करके बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन नहीं, इसके पीछे मतलब बनता है। बिकॉज ये जो प्राइस पे फ़ोन आया था उस टाइम पे, मतलब 6 महीने पहले, ये 20,000 के अंदर वन ऑफ़ द बेस्ट फ़ोन बोला जा रहा था। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ़ द बेस्ट फ़ोन बन जाता है। अगर आप 15,000 के अंदर कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई, देर इज़ ए रीज़न बिहाइंड इट। मैं सारी चीज़ें आगे वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये 15,000 के अंदर कैसे वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन बन जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड तक जरूर से देखना। इनफैक्ट आपको जो चार्जिंग टेस्ट है वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर आपको बॉक्स में ये कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन है और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग देखने को मिल जाती है, चार्जिंग ब्रिक, जो कि एक 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक है। और ये जो ब्रिक है, ये मैंने आगे चार्जिंग करके दिखाया है कि कितनी देर में फुल चार्ज कर देती है फ़ोन को, वो आप मिस मत करना, एंड तक ज़रूर से देखना। और यहाँ पर आपको जो ये केबल है वो टाइप सी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको रेड कलर का कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि ऑरेंज एक्सेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसा आपको मतलब बॉक्स के अंदर कंटेंट देखने को मिलता है। बाकी ये टीपीयू केस है, जो कि आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ आपको टीपीयू केस देखने को मिलता है। मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे ठीक ठाक सा यहाँ पर आपको केस जो है वो दे रखा है, मतलब अच्छी क्वालिटी है, बुरी भी नहीं है, और मतलब ऐसा बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं है, एक एवरेज क्वालिटी की आपको ये टीपीयू केस दे रखी है। अब हम आते हैं दोस्तों सीधे फ़ोन पे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के। देखो बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अगर आप पोको एक्स टू को देखो तो वहाँ पे थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी आपको बिल्ड में देखने को मिल जाती थी, बिकॉज वहाँ पे आपको जो ग्लास पे है मटेरियल देखने को मिल जाता। बट यहाँ पे जो बैक मटेरियल है वो पूरा पूरा आपको प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है। आप सुन सकते हो इसकी, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, पूरा प्लास्टिक मटेरियल पे दे रखा है। बट जो साइड हैं यहाँ पर, ये पूरी मेटालिक दे रखी हैं। शायद यहाँ पर माइक की वजह से ऐसा कुछ किया होगा, या फिर थोड़ा सा प्रीमियम फील कराने के लिए इन्होंने साइड में मेटालिक दे रखा है, जहाँ पर ऊपर काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, एयर ब्लास्टर वगैरह और स्टीरियो स्पीकर वगैरह भी इसमें दे रखा है। वो सब चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊँगा। बट जो क्वालिटी है वो डिसेंट है, बैक क्वालिटी थोड़ा प्रीमियम हो सकती थी, बट आप देख सकते हो शायद ये थोड़ा सा यहाँ पे जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये प्रेस होता है, तो ऐसे कुछ क्वालिटी है। बट लुकिंग एट द प्राइस हम बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते बिल्ड क्वालिटी में, लेकिन अगर प्राइस को देखते हुए बात करें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज़ की एक 6.67 इंच की IPS LCD वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और इसकी हम ब्राइटनेस की बात करें तो काफ़ी पीक ब्राइटनेस पर चली जाती है, जहाँ पर आपको शायद 450 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और आप डे लाइट कंडीशन में भी, अगर आप धूप वगैरह में भी, सनलाइट में भी अगर फ़ोन यूज़ कर रहे होगे तो कोई इतनी परेशानी नहीं होती है, आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये डिस्प्ले के भी मैटर में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट HDR10+ का सपोर्ट है। अगर मैं बात करूँ तो मुझे डिस्प्ले में कुछ भी इशूज़ नहीं लगा। ऑफकोर्स यहाँ पर हम AMOLED से कंपेयर नहीं कर सकते, बट जो IPS LCD की पैनल लगा हुआ है वो वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड द गुड थिंग इज दैट कि यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, एंड 91.25% आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपरली फील होता है अगर आप 120 हर्ट्ज़ पर फ़ोन यूज़ कर रहे होगे। उसके बाद आप 60 हर्ट्ज़ पर अगर जाओगे, स्विच करोगे, तो डेफ़िनेटली वो बहुत ही ज़्यादा फील होता है कि हाँ ये रिफ्रेश रेट से कितना ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ तो डेफ़िनेटली फील होती है। ऑफकोर्स है कि वहाँ पर थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे, बट जो है वो आपको चॉइस दे रखी है कि 60 हर्ट्ज़ पे आपको यूज़ करना है या फिर 120 हर्ट्ज़ पे, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बट 120 हर्ट्ज़ इज़ लिटरली अमेजिंग। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर को लेकर के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला था 732G प्रोसेसर। अगर हम 700 सीरीज़ की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है आज की डेट में, क्योंकि इसके बाद जितने भी 700 सीरीज़ में प्रोसेसर आए, चाहे आप 768 की बात कर लो या फिर 750 ही बात कर लो, ये दोनों ही एक 5G प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि 730 से स्लाइटली 5-10% बेटर है, बट यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट आपको 4G प्रोसेसर 700 सीरीज़ में देखने को मिल जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ये थोड़ा नया प्रोसेसर था,
आज की डेट में थोड़ा सा पुराना हो चुका है कह सकते हैं, बट जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है इसकी वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंटूटु बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्कोर मुझे देखने को मिला है और ये काफ़ी एक बढ़िया स्कोर आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस इसका मतलब काफ़ी ठीक है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव तो नहीं करता एंटूटु बेंचमार्क पर, जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस है उसको लेकर के मेरे जो विश्वास है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट स्टिल अगर आप लोग में से कोई बिलीव करता है तो यहाँ पर ये स्कोर्स आपको जो वो देखने को मिल गए हैं। और रीड राइट स्पीड टेस्ट भी की है तो वो भी आप देख सकते हो। गाइस अभी आप देख सकते हो कि मैंने गेमिंग स्टार्ट कर दी और यहाँ पर वेरी हाई पे मैंने सेट करा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना चल सकता है और लेट्स सी, सीओडी खेल रहा हूँ और यहाँ पर 120 हर्ट्ज जो है लिटरली फील हो रहा है कि हाँ मैं 120 हर्ट्ज पे खेल रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ है। हर्ट्ज़ पे लिटरली मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस चल रही है। मैं आपको यहाँ पे FPS भी दिखा देता हूँ, ऊपर आप देख सकते हो 48 FPS ये 101 FPS यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि FPS यहाँ पर चलता रहता है, यहाँ से आपको पता चलता रहता है कि हाँ ये कितने FPS पे जो गेम है वो चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज हो रहा है और ये मैंने 120 तक जाते हुए देखा है, सो मतलब 110-120 तक भी ये जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है खेलने में, तो ऐसा कुछ गेम प्ले यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। हल्का फुल्का सा अभी उतना ज़्यादा जो नॉर्मल हीटिंग है वही है और अभी कुछ खास ऐसा हीटिंग तो मुझे देखने को नहीं मिली है, बट अगर मिलती है ज़्यादा खेलने पे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊँगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है, आईआर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वाइडबैंड L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, IP53 रेटेड है, प्रॉपरली रेटेड है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये स्प्लैश प्रूफ हो, ये प्रॉपरली रेटेड फ़ोन है, सर्टिफाइड है, जो कि आप कह सकते हो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी बड़ी बात है कि आपको IP53 जो है वो रेटेड फ़ोन देखने को मिल रहा है। मतलब थोड़ा बहुत बारिश वारिश में भीग जाएगा, इनफैक्ट अगर आप ये पानी में एक बार चला भी जाएगा तो भी ख़राब नहीं होगा, तो ये चीज़ सर्टिफिकेशन इसको प्रॉपरली मिल रखी है, ये एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है इस प्राइस रेंज के फ़ोन की। मतलब इस प्राइस रेंज में कहीं आपको IP53 रेटेड फ़ोन देखने को मिलेंगे, बट ये आपको देखने को मिल रहा है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम स्पीकर्स की बात करते हो तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी एक इमर्सिव साउंड करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सैम्पल दिखाता हूँ, आप देखो सैम्पल। कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं वो साउंड कर रहे हैं। इनफैक्ट इन स्पीकर की अगर हम बात करें तो कभी कभी जब आप हाथ में ये फ़ोन पकड़ोगे तो फील आएगा कि ये बैक से यहाँ से आवाज़ आ रही है इसके, और लिटरली ये फील होता है। मतलब मैंने जब सुना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जगह से कैसे बज रहा है, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। बाकी यहाँ से तो इसमें स्पीकर है ही है, यहाँ से ऊपर से भी ये साउंड करते हैं, मतलब यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर है तो ये सराउंडिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो भी आपको काफ़ी एक अच्छा देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले तो HDR10 देखने को मिल जाती है, तो इस वजह से और भी इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों अगर हम कैमरे को लेकर के, तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, बाकी दोनों यहाँ पर आपको जैसा पता है कि आप कह सकते हो कि अच्छे हैं किसी के लिए नहीं अच्छे हैं। 2-2 मेगापिक्सल के यहाँ पर दो कैमरेज देखने को मिल जाते हैं, एक मैक्रो और एक डेप्थ सेंसर, तो ये 4 कैमरे यहाँ पर क्वाड कैमरा देखने को मिल जाते हैं। बाकी मैं आपको क्वालिटीज दिखा रहा हूँ, मैं सारी फोटोज़ आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस टाइम कि जो 64 मेगापिक्सल की जो फोटो है वो कैसी देखने को मिलती है, 13 मेगापिक्सल की वाइड कैमरा की जो फोटो है वो कैसी देखने को मिल रही है, और बाकी सारी फोटोज़ आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपको फोटो जो है वो कैसी लगी। मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ इसके बारे में तो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़ी लगी, थोड़ा आउट ऑफ फोकस में यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है और यहाँ पर जो वीडियो वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी शूट कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको एक व्लॉगिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। अगर आप व्लॉगर हैं तो आपके लिए ये मोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से ये मतलब
कैप्चर करता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फ़ोन का। हो सकता है अभी आपको वॉइस भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आपको मतलब आवाज़ कैसी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 4K तक के आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। साथ ही साथ काफ़ी कुछ आपको कैमरे में देखने को मिल जाता है, वो आप प्रो मोड में जा करके कर सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर UI की बात करें, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे Android 10 और MIUI 12 पे आपको पोको लॉन्चर लगा हुआ देखने को मिल जाता है। फॉर गॉड सेक यहाँ पर आपको काफ़ी एड्स तो नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब काफ़ी क्या, यहाँ पर कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलता है, बट इसमें कुछ ना कुछ आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि फालतू के थे, जिनका कोई काम नहीं चाइनीज़ ऐप्स थे। तो फिलहाल उनको आप रिमूव कर सकते हो, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो ये कुछ आपको मतलब UI में देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा बग्स तो है ही है MIUI 12 में, आप जानते ही हो कि वहाँ पर कैसा परफॉर्म करता है, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि MIUI 12.5 के लिए एलिजिबल है डिवाइस, तो आपको काफ़ी जल्दी जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो X3 के लिए आप वेट करना, एंड्रॉयड 11 पर 12.5 पर ये अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों सारी बातें मैंने आपसे कर ली है, अब आप डिसाइड कर लो कि 13,500 के प्राइस पे ये कितना बेस्ट आपको फ़ोन देखने को मिलता है। बिकॉज आज के डेट में अगर आप Redmi Note 10 की बात करो, या फिर और भी जो 15,000 के सेगमेंट के अंदर देखने को फ़ोन मिल रहे हैं, उनकी बात करो तो उनकी परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं गिरी हुई देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल Redmi Note 10 की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अच्छा है, ठीक है, बट इन कंपैरिजन टू दिस 700 सीरीज़ का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, और जो कैमरा की क्वालिटी है, जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, जो हर्ट्ज है, रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज ही आपको देखने को मिल जाता है, बिकॉज ये 17,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ था, और आज की डेट में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर आज आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली इसकी प्राइस 16,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी, बट ये सेल में काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे आ जाता है। और उसके बाद अगर आप कार्ड्स का यूज़ कर लोगे, जो भी कार्ड पे आपको ऑफ मिल रहा हो, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली 1,000 से 1,500 ऑफ देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन 13,500 रुपये का मतलब पड़ा है, तो वहाँ पे लुकिंग एट द प्राइस ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन आप कह सकते हो। 15,000 के अंदर में डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि गो फॉर इट, अगर आपको जैसी सेल मिलती है तो आप जा सकते हो, बिल्कुल भी जा सकते हो। तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर अगर हम बैटरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, बट ये तो मैं कहता हूँ कि रियल लाइफ में सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, OS पे डिपेंड करती हैं, जो नंबर्स का गेम है वो ब्रांड्स बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, बट यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी देखने को मिल रही है। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12:53 हो रहा है, मतलब 12:53 हो रहा है, और मैं इस चार्जर को कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर आप बैटरी देख सकते हो कि समथिंग कुछ 20% बैटरी के आसपास बची है, तो 20% जो बैटरी है अब ये कितनी देर में चार्ज कर देती है 100%, यही हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। और पोको X3 को लगा देते हैं चार्जिंग पर, और इसी के चार्जर से बेसिकली हम कनेक्ट करने वाले हैं, और देखते हैं कि कितनी देर में ये चार्ज हो जाता है। तो अभी मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, और ये पहली चार्जिंग है इस फ़ोन की, तो अभी देखते हैं कि ये कितनी देर में चार्ज हो जाता है। गाइस अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए, मतलब 12:53 पे मैंने फ़ोन जो है वो लगाया था चार्जिंग पे, जबकि वहाँ पर 20% जो है वो बैटरी थी, और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 86% हो चुकी है। तो कुछ 1 घंटे 3 मिनट में 86% जो बैटरी है वो चार्ज हो गई है, और चार्जिंग टेस्ट मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर 1 घंटे में लगभग 66% जो है वो चार्ज हो जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि 1.5 घंटे में लगभग 100% ये चार्ज हो जाएगा। मैंने दोस्तों सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन के बारे में बता दी। अपने ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, 15,000 के प्राइस के अंदर आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो, और कोशिश करना कि इसको सेल में ही परचेज करो, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। और ये बेस वेरियंट 6GB रैम 64GB रोम के साथ आता है, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर ये फ़ोन जो है वो देखने को मिलता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसी मज़ेदार वीडियोस और ऐसी यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक से जाकर के फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, या फिर किसी के भी रिगार्डिंग, मतलब टैक्स से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप मेरे से क्वेश्चन नीचे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।